नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खे चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं आपके बालों के लिए कुछ खास लेकर आया हूँ कि आखिर आप अपने बेजान और ख़राब बालों को कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत लोग परेशान हैं जो अपने बालों से बहुत ही प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और उनके बाल इतने बेजान हैं कि वो काफ़ी चीज़ें अपना कर देख चुके हैं, लगा कर देख चुके हैं, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात है कि बाल ही एक ऐसी सुंदरता का साधन है, सुंदरता की चीज़ है जो बहुत ही ज़रूरी है, और इसके बिना आदमी अधूरा है। और अगर ये नहीं हो तो आदमी कहीं भी बाहर नहीं जा सकता और किसी को भी मिल नहीं सकता। तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है कि बालों का कम होना, गिरना या उनका धीरे धीरे छोटे हो जाना या झड़ जाना। तो आज इसी पर बात करेंगे कि आखिर बेजान और ख़राब बालों को ठीक करने के क्या उपाय हैं और उनको आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो नीचे लाल बटन पर सब्सक्राइब जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक ज़रूर करें ताकि आप मेरे चैनल का हिस्सा बने और सब नई जो लेटेस्ट वीडियो आपको आएगी, नई जानकारी आपको मिलेगी, वो सबसे पहले मिल सके। इसलिए आपको लाल बटन पर सब्सक्राइब क्लिक जरूर करना होगा ताकि आपको नई जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके लिए क्या करना होगा आपको। बालों को रूखा दूर करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए घरेलू उपायों के बारे में बात करूंगा कि आपको क्या करना है इसके लिए। और बहुत लोग पूछते हैं कि हमारे बाल रूखे हैं, हमारे बाल बहुत ही बेजान हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में कुछ मैं ऐसा ही बताने जा रहा हूं कि जिससे आपके बाल शाइनी, सॉफ्ट और सुंदर बन जाएंगे। तो बताता हूं आपको इसके बारे में। सबसे पहले उपाय, इसके लिए आपको नींबू की वजह से बेजान और रूखे बालों को सुंदर बनाया जा सकता है। नींबू में विटामिन सी होता है जिसकी मदद से हमारे जितने भी बालों की समस्याएं हैं, बेजान और रूखापन है, ये आराम से दूर हो जाएंगी। इसके लिए आपको एक पूरे नींबू का रस निकाल लीजिए और उसे थोड़े से पानी में मिला लीजिए। इस मिश्रण को अपने बालों पर लगभग आधे से एक घंटे के लिए लगाकर छोड़ देना है और उसके बाद अपने बालों को नॉर्मल पानी से धो लेना है। ऐसा करने से आपके बाल बहुत ही सॉफ्ट, शाइनी और सुंदर हो जाएंगे। हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरा नुस्खा आपको बताता हूँ कि आपको इसके लिए क्या करना है। जिसके लिए आपको अंडा चाहिए। अंडा हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अंडे में प्रोटीन, सल्फर और सिलिकन्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे बाल काफ़ी शाइनी और सॉफ्ट और मुलायम हो जाते हैं। इसके लिए आपको अंडे का सफ़ेद भाग लेना है और उसमें कोकोनट ऑयल को मिलाना है। आप चाहे तो ऑलिव ऑयल को भी मिला सकते हैं। अब इस मिश्रण को अच्छे से अपने सिर पर लगा लें, बालों में लगा लें और लगभग आधे घंटे या 1 घंटे बाद लगे रहने दें और उसके बाद अपने बालों को शैम्पू से धो लें। और अगर आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार इसका यूज़ करते हैं तो आपके बाल बहुत ही शाइनी और बेजान और ख़राब बालों से आप छुटकारा पा सकते हैं। अगला नुस्खा आपको बताता हूँ मैं कि आपको उसके लिए क्या करना है। ऑयल की कमी से हमारे बाल जो हैं अक्सर रूखे और बेजान हो जाते हैं और उनकी चमक कम हो जाती है और वह टूटने भी लगते हैं। इसके लिए आपको बालों को ऑयली करना बहुत ही ज़रूरी है। मसाज करने के लिए आप अपने बालों को कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है या बादाम का तेल है। ये सभी तेल जो हैं हमारे बालों को पोषण देते हैं और इनकी मदद से हमारे बाल हेल्दी होते हैं, सिल्की होते हैं और मुलायम हो जाते हैं, और मुलायम होने के बाद जो है वो टूटना बहुत ही बंद हो जाते हैं और उनका जो बेजान और रूखापन जो है वो कम हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप इन नुस्खों को अपनाइए और करिए। आप इन नुस्खों को करने के बाद देखेंगे कि आपके जो बेजान बाल थे और ख़राब बाल थे वो अच्छे हो गए हैं, मुलायम हो गए हैं और टूटना बंद हो गए हैं और सिल्की हो गए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं एक नया नुस्खा लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।